मैंने 5 स्टोर्स में से उनकी एक एक चीज खरीदी। शुरू किया इससे, तो ठीक है बॉयज, कार्ड्स भर दो, मुझे स्टोर का सब कुछ चाहिए। ये ज़ेब्रा पैंट्स भी सब कुछ में आती है क्या? अगर ये स्टोर में है तो हम खरीद रहे हैं। यहाँ इस वीडियो में हमने खरीदा था पूरा स्टोर और आपको सच में वीडियो पसंद आया था। अब हम दोबारा वही कर रहे हैं 5 स्टोर्स के साथ। तुम सच में खरीदना चाहते हो सारा स्टोर? मैं बहुत सीरियस हूँ, हमें स्टोर की एक एक चीज खरीदनी है और हम उसके पैसे देंगे। ये सेल पर है, ये बात तो पक्की है। क्या मैं मदद करूँ पैक करने के लिए? बस इन्हें कार्ट में रख दीजिए। चलो फटाफट उठा लो, हमें ये सब कुछ चाहिए। अगर किसी को पता है कि स्टोर में कैसे खरीदते हैं तो वो यहाँ काम करने वाले लोग हैं। ठीक है, मैंने पकड़ लिया। अब खींचो। हाँ खींचो खींचो खींचो। हम ये सारे जैकेट जरूरतमंद लोगों को डोनेट करने वाले हैं, तो इसलिए ये अच्छा है कि हमने अच्छे और गर्म जैकेट्स लिए हैं क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। सच में ये लेना है क्या, ताकि अपना मुंह भी रहे एकदम कोजी? इनमें से हर एक जैकेट $340 का है, मैंने ऐसे 8 उठाए हैं। पता है क्या, जैकेट्स इतने एक्सपेंसिव होते हैं? ये जरूरतमंद लोगों के लिए, ये हाँ। यहाँ पर तो सिर्फ 7,000 की बीनीज हो गई। 7,000 की टोपियाँ? हाँ सिर्फ बीनीज। हमें और 4 स्टोर्स जाना है। हमें जाना ये है। किसका आइडिया था? तुम्हारा और किसका? फिर ठीक है, सोच रहा हूँ रिटायर हो जाऊँ। तो फिर गोल्फ कोर्स में मिलता है। इसे कहते हैं दिमाग से काम लेना। मुझे समझ नहीं आ रहा इन्हें कहाँ लेकर जाऊँ अब। जिमी ने बोला सब कुछ, हम ये कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, जो भी हम खरीद रहे हैं ये लोग एक एक आइटम को टाइप कर रहे हैं। इनका काम आसान कर देता हूँ। क्या आप जानते हैं कि आपके स्टोर में कितने का माल है? लगभग हाँ? इन सारी चीजों की कीमत $75,000 होगी। ओके 85,000, तो $85,000 ठीक है। $85,000 सब कुछ सीधा टेम्पो में डाल दो। मैं मजाक नहीं कर रहा था जब मैंने कहा कि मैं इस स्टोर का एक एक आइटम खरीदूंगा, और ऑब्वियसली मुझे नहीं चाहिए इतने सारे शर्ट्स, जैकेट्स और शूज, तो हम इसे डोनेट करेंगे सल्वेशन आर्मी को। क्या बात है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक नया सल्वेशन आर्मी स्टोर है, अभी तक इनके शेल्व्स भी नहीं भरे हैं, और ये रहा टाइम लैप्स हमारा सब कुछ ऑफलोड करते हुए। एक हो गया और अगला हम खरीदने वाले हैं गेम स्टॉप। ये मजेदार होने वाला है। सीधा मुद्दे पर आते हैं, मुझे आपके स्टोर में से सब कुछ खरीदना है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं okay, है। ओके मैं सबको लेकर आता हूँ। कार्ल तुम इंचार्ज हो इस वॉल के, क्रिस तुम इंचार्ज हो इस वॉल के, ठीक है। नोलन तुम इंचार्ज हो इस वॉल, ठीक है। शॉन 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 शॉन, पिछली वीडियो में तुमने बहुत कुछ फेंका, तुम बहुत ही डिस्ट्रक्टिव थे, काफी लोगों को ये पसंद नहीं आया, तो वादा करो तुम कुछ नहीं फेंकोगे। नहीं फेंकूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है, गुड। क्या मैं ये भी खरीद सकता हूँ? एक रैक के $15। बढ़िया, तो अब हम खरीद रहे हैं रैक्स भी। जब हमने कहा सब कुछ तो सब कुछ। फार क्राई 6 भी बनाया गया है, कोई खेलता भी है क्या इसे? तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या है? केयरफुल हूँ और कुछ तोड़ नहीं रहा हूँ। हमारे पास है सॉक्स, हमारे पास है बीनीज, क्योंकि बाहर ठंड है। ये बताओ प्ले स्टेशन 4 वाली एवेंजर्स की कितनी कॉपीज एक स्टोर में होनी चाहिए? जितनी बिकी नहीं उससे ज्यादा तो यहाँ पर है। हाँ क्योंकि यहाँ पर तो एक से ज्यादा भी है। मुझे दूसरा कार्ड चाहिए, ये भर गया। हमारे 5 शॉपिंग कार्ड्स वीडियो गेम से भरे हुए हैं, स्कैनिंग शुरू करनी चाहिए। इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। क्या लगता है ये सब कुछ कितने का होगा? बहुत ज्यादा। हाँ बहुत ही ज्यादा सच में। अब जब मैं यहाँ पर हूँ तो अपॉर्चुनिटी क्यों गवाऊँ? अगर इनमें से कोई भी गेम जो हम खरीद रहे हैं वो हमें स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। मैं सभी को पसंद करूंगा, या तो अभी तक कोई ओपिनियन नहीं बनाया है। अब तक कुछ टोटल हुआ है 30,000, लेकिन थैंक गॉड इनके पास है क्लियरेंस रैक। हे क्या हम इसके पूरे पैसे दे सकते हैं? शट अप, हमने क्लियर की ये वॉल, हम क्लियर कर रहे हैं ये वॉल, हम अच्छा कर रहे हैं। ये पागलपन है, ये लिटरली 1,000 से भी ज्यादा वीडियो गेम्स है। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा गेम स्टॉप खाली है, हमने लिटरली सब कुछ खरीद लिया है, और अब वक्त आ गया है उस मोमेंट का जिसका इंतजार था। ये देखिए ये अभी तक रिसीट ही खींच रहा है। ओह माय गुडनेस। हे हे, आपको विश्वास नहीं था कि हम यहाँ स्टोर से सब कुछ खरीद लेंगे? अब वो विश्वास। हमने स्टोर से जो भी गेम्स खरीदे हैं उसके लिए मैंने कुछ स्पेशल सोच रखा है, तो हमने सब कुछ रैप किया, और अब हम हैं बॉयज एंड गर्ल्स क्लब में, जो है एक चैरिटी गरीब बच्चों की मदद करने वाली, और हम हजारों रैप्ड गेम्स और बाकी चीजें यहाँ रखने वाले हैं ताकि इनका क्रिसमस बेस्ट बन जाए। ये है प्रो गेमर मूव। ये मेरे लिए सच में स्पेशल है, मैं जेन्युइनली उम्मीद करता हूँ कि ये गेम्स बच्चों का दिन बना दें। इस अगले स्टोर के लिए हम कुछ अलग करने वाले हैं। हम खरीदने वाले हैं ये पूरा कार लॉट। फनी स्टोरी, इस वीडियो में यहाँ हमने खरीदा था पूरा कार लॉट, तो ये हमारा दूसरी बार है। चलिए देखते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं। और कैसे हो माइक, बड़े दिनों बाद मिले। मिस्टर बीस्ट से। मैं एक्चुअली फिर से लॉट खरीदने आया हूँ। फिर से? हाँ फिर से। अरे नहीं सॉरी। ओके लीजिए, हो गया साइन, ठीक है चलो शुरू करते हैं। हमारे पास है वही पुराना बैनर, इसे कभी फेंका ही नहीं। मैंने लिटरली खरीदी है यहाँ की सारी कार्स, और मुझे नहीं पता क्या खरीदा है। क्या यह है कॉल ऑफ ड्यूटी हमर? हाँ वही है। क्या? चाबी ढूंढो इसकी।
तुम इसे भी ऐसे ही दे दोगे? बॉयज तुम्हें पता है क्या करना है, सब पर $0 लगा दो। यहाँ कार्ड्स के लिए चार्ज करना इलीगल है। मुझे नहीं लगता कानून ऐसे काम करता है। हे गाइस, आ गया हमारा फर्स्ट कस्टमर। चंडला तुम इन्हें संभालो, क्रिस तुम इन्हें संभालो। तो आपको कैसी कार चाहिए? ऑनेस्टली कोई भी। ठीक है, मैं जाकर कीज लेकर आता हूँ। अभी आया। मुझे नहीं मालूम था कि कीज मिल जाएंगी, ये क्रेजी है। हो गया? हाँ, बिल्कुल फ्री। ओह माय गॉश, ओके। मैंने बेच दी जिमी। कार्स बेचना काफी इजी है वैसे, हर कोई क्यों नहीं करता है काम? ये हाँ, ब्लैक परफेक्ट है। ये आपकी हुई, मुबारक हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा ये कितना औसम है। सोच रहा था अपने परिवार के लिए गाड़ी लेने का, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। थैंक यू मिस्टर बीस्ट। अच्छा चल रहा है, सेलिब्रेट करने के लिए चलो इन्हें दिखाते हैं हमने क्या सीखा। ठीक है, तीन तालियां। आपको किस तरह की कार चाहिए? मेरे बेटे को अभी लाइसेंस मिलने वाला है तो मुझे ये कार चाहिए। मुझे कार्स के बारे में ज्यादा पता नहीं है, पर ये कूल दिख रही है। कांग्रेचुलेशंस, ये आपकी हुई। हाँ, मेरा बेटा बहुत खुश हो जाएगा। ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट गिफ्ट है। यहाँ बहुत कुछ चल रहा है। चैंडलर किसी की हेल्प कर रहा है, नोलन किसी की हेल्प कर रहा है, क्रिस किसी की हेल्प कर रहा है, कार्ल भी किसी की हेल्प कर रहा है। ये चल क्या रहा है? कांग्रेचुलेशंस फिर, अगर आपको ये चाहिए तो ये आपकी हुई। सुनके कैसा लगा आपको? सच में? हाँ एब्सोल्युटली, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू ऑल सो मच। कांग्रेचुलेशंस, अब आपके पास एक गाड़ी है। क्या ये लीगल है? दोनों में से कौन सी ज्यादा अच्छी लगी? मुझे ये वाली अच्छी लग रही है। अच्छा ये वाली क्या? ठीक है, ये तुम्हारी हुई। सच में? हाँ फ्री में। क्या कहा? फ्री में? बिल्कुल। ये पसंद आई तुम्हें? हाँ मुझे पसंद आया। ठीक है तो ये कार तुम्हारी हुई। अच्छा है, आप लोगों ने मेरा सपना पूरा कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने सारी कार्स दे दी हैं सिर्फ इस वाली को छोड़ के। और इस कार के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये एक्चुअली मैनुअल है और किसी को नहीं पता कि मैनुअल कार कैसे चलाते हैं। सिर्फ एक इंसान जिसे मैं जानता हूँ। तुम मैनुअल कार चलाना जानते हो? तुम अच्छी कैमरा मैन हो, ये ब्रांड न्यू कार तुम्हारी हुई। तो टिम, क्योंकि तुम जानते हो कि इसे कैसे चलाते हैं, तुम्हें मिल रही है ये फ्री कार। वो कार गई, स्टोर नंबर 3 हुआ खत्म, 2 और बाकी हैं। हम हैं चौथे स्टोर पर और ब्ला ब्ला ब्ला, आपको पता ही हम क्या करें। हम सब कुछ खरीदेंगे। बस डबल चेक कर रहा हूँ आपको चलेगा अगर मैंने सब कुछ खरीद लिया तो। बोलिए। हाँ ये लो, पकड़ो इन कार्ड्स को। ठीक है, तुम्हें पता ही है क्या करना है। मुझे सब कुछ चाहिए स्टोर से। चलो। अरे ठीक है कार्ल, बॉल्स उठा लो। जरा देखो तो इस स्टोर में कितना सामान है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होने वाला है। पहले मुझे लगा कि कोई फेक कॉल था, पर ये लोग सच में आ गए। इसी तरह मैं आइलैंड को हार गया था क्योंकि मैं कॉर्न होल शॉट बना नहीं पाया था। इसमें से कुछ बेसबॉल बैट है $500 की। क्या ऐसे कैसे? हाँ। बेसबॉल बैट 450 का है। जिमी क्या मैं इसे रख सकता हूँ? क्या तुम चैरिटी हो? शायद। ओके तुम ठीक कह रहे हो, इसे डोनेट कर देंगे। हमें इसे यहाँ से बाहर निकालना। हम ये खरीदने वाले हैं। मैं संभालूंगा। अरे थोड़ा धीरे यार, थोड़ा धीरे चलाओ भाई। हमने बुलाए हैं कुछ लोकल हाई स्कूल कोचेस और हम उन्हें उनकी टीम के लिए इक्विपमेंट्स ले जाने देंगे। बेसिकली हम इस स्टोर से सब कुछ खरीद रहे हैं, जो भी आपको अपनी टीम के लिए चाहिए वो ले लीजिए, वो आपकी टीम का हो जाएगा। ये भी ले लो, वो भी। ये है कोचेस, ये सिर्फ हसल जानते हैं। इसे भी रख लो। चलाओ जल्दी। तुम्हारे स्टूडेंट्स जैवलिन यूज करते हैं? हाँ मुझे जैवलिन चाहिए। आपके प्लेयर्स तो खुश हो जाएंगे, ये है क्या? हम हमारे शोल्डर पैड्स 10 सालों से यूज कर रहे हैं तो। ओ, सच में? हमारी टीम को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो मुझे मेरी टीम के लिए तो इतना करना ही होगा, और ये करने से हमारी टीम को अच्छा बूस्ट मिलेगा। जिमी की वजह से हमारी टीम को नए इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सबके लिए ब्लेसिंग है, ये डेफिनेटली पूरे कम्युनिटी के लिए ब्लेसिंग है। अनबिलीवेबल, जरा इन सारी चीजों को तो देखिए। आप बस ऊपर वाले और मिस्टर बीस्ट को शुक्रिया कहना चाहेंगे। बहुत टाइम लगा लेकिन स्टोर फाइनली खाली हो गया। और अगर आप सोच रहे हो कि कितना हुआ टोटल, ये आपको बताएंगे। $85,000। 85,000 इस पूरे स्टोर के लिए, तो ये लीजिए। और अब हम चलेंगे अगले स्टोर पर। तो अब हम खरीदेंगे पांचवा और आखिरी स्टोर, फूड लाइन। 4 स्टोर्स हम ऑलरेडी खरीद चुके हैं। हाँ। चलो तुम भी बोलो। हाँ, हाँ। मुझे सब कुछ चाहिए। ठीक है, तो चलो। ठीक है, चलो। तुम राइट से शुरू करो, मैं लेफ्ट से करता हूँ। लगता है मुझे शुरू करना होगा रेंच सेक्शन से। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इस पर 10,000 खर्च करने वाला हूँ। हमें बस मैकरोनी पर फोकस करना है, यहाँ बहुत सारे हैं। ये चॉकलेट बहुत हो गए हैं ना? क्या हमने सब ले लिए? I'm sorry, क्या हमने सब ले लिए? नहीं, बहुत सारे चॉकलेट है, बहुत टाइम लेगा। नहीं, शायद हमने सब ले लिए फिर, क्योंकि तुमने कहा कि बहुत है। नहीं, बाकी के चॉकलेट्स नहीं लिए हैं। हमारे पास नहीं है सारे चॉकलेट। ठीक है, बाकी के भी ले लेते हैं। हमारी पहली कार्ड भर गई है, देखते हैं कितना बाकी है। बहुत बाकी है। लग रहा है जैसे हम यहाँ कभी आए ही नहीं। स्पीड बढ़ानी होगी। जल्दी जल्दी डालो, बीन्स डालो, बीन्स बीन्स बीन्स।
अब तक हमने कुछ नहीं किया। अब तक हमने कुछ नहीं किया है। हम बस 3 इन्वेंटरीज को ही साहिल से खाली कर पाए हैं, देखो। ओह माय गॉड। मेरे पास रेंच से भरा हुआ कार्ट है। पता मुझे रेंच बुलाते हैं क्योंकि मैं ड्रेसिंग करता हूँ। जरा देखो तो अभी कितना बाकी है। अभी तक तो आधा आयल भी खाली नहीं हुआ है। और मैक शॉन भर लो। हम ये सब कैसे करेंगे? अरे देखो तो सही है कितना लंबा है। बहुत साल लग जाएंगे यार। मैं थोड़े नंबर्स घुमाता हूँ, हमें मदद चाहिए। प्लीज। क्या चल रहा है? क्रिस तुम्हारे मैक एंड चीज से शुरू करो। ओह ठीक है। नोलन रेंच खाली करने में मेरी मदद करो। ये सब 1% भी नहीं है स्टोर का। फूड लाइन ने एक्स्ट्रा लोग बुलाए हमारी मदद के लिए। ये बहुत ही मजेदार है। नोलन और रेंच है। अरे नहीं, अभी तो रेंच खत्म किया था। हम ये घंटों से कर रहे हैं और अभी तक सिंगल आइल भी खाली नहीं हुई है और ऐसी 16 है स्टोर में। मुझे लगता है हमें और एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी। इस वीडियो की शुरुआत में हमने खरीदा था क्लोथिंग स्टोर, फिर हमने खरीदा पूरा गेमिंग स्टॉप, फिर एक कार लॉट और बाद में पूरा स्पोर्ट्स स्टोर, और अब हम खरीद रहे हैं पूरी फूड लाइन। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैंने डेफिनेटली आज लाखों डॉलर्स खर्च किए हैं। ये खत्म नहीं होता। अब तक हमने खर्चे हैं $30,000 राशन पर। ये रिडिक्युलस है। ये टेम्पो राशन से भरा हुआ है, लेकिन पागलपन यहीं खत्म नहीं हुआ है। ये दूसरा टेम्पो भी राशन से भरा है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 टेम्पो भर के राशन, और अगर मैं आपसे कहूं कि 2 नहीं 3 टेम्पो भर के राशन है। तीसरा वाला नहीं यार। क्या मैं ये होलोग्राफिक डायनासोर लंच बॉक्स रख सकता हूँ? अगर तुम खाली कर पाए पूरा पुडिंग शेल्फ। हो जाएगा, अभी करता हूँ। टाको जल्दी भर दो। हाँ वही कर रहा हूँ। माँ का नाम रोशन करो। कोशिश कर रहा हूँ। शॉन मैंने अभी तुम्हें घर दिया है, कम से कम बीन्स तो जल्दी भरो। क्या ये है सारी पुडिंग? हाँ ये सारी पुडिंग है। ये है तुम्हारा 3D डायनो सैंडविच बॉक्स। ये थैंक यू। नो प्रॉब्लम। इसे खुश रखना कितना आसान है। हमने अब तक लगभग 300 कार्ड्स भर दिए हैं एक साथ सारे चेकआउट्स पर। हमने अब तक 70,000 खर्च किए हैं और मैं आपको बता दूं कि अब तक सिर्फ 20% ही हुआ है। बहुत टाइम लगने वाला है। मैं बैंक को कॉल करता हूं। अब तक हमने खाली किया है ये आयल, समझो हो ही गया ये आयल और ये वाला भी। रुको रुको रुको, तुमने सब कुछ नहीं भरा। तुम गोल्ड फिश भूल गए। खालो 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 खालो। मुझे नहीं। हमने 20 घंटे पहले स्टोर्स खरीदना शुरू किया था। ये लंबा दिन रहा मेरे और मेरे बॉयज के लिए, लेकिन मैंने मैनेजर से बात की और हम दोनों को लगता है कि कम्युनिटी के लिए अच्छा होगा अगर हम सिर्फ आधा स्टोर खरीदें। डोंट वरी, यहाँ जल्द ही ट्रक्स आ जाएंगे और सुबह से पहले सब कुछ फिर से रिस्टॉक हो जाएगा। टाइटल बदलना और रखना 4.5 स्टोर्स। शट अप। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि मैंने पूरा स्टोर नहीं खरीदा, मैंने खरीदा है सिर्फ आधा। हम जिम्मेदार लोग हैं और हम कम्युनिटी के लिए भी राशन छोड़ना चाहते थे, लेकिन आधी फूड लाइन भी बहुत एक्सपेंसिव है। कितना हुआ? $1,22,082.15। $1,22,000 मुझे चलेगा ये? देखो तो ये रिसीट कितनी लंबी है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये शायद गेम स्टॉप रिसीट की जितनी है। ये सच में बहुत लंबी है। करंटली हमारे 7 राशन भरे ट्रक बाहर खड़े हुए हैं और हम इसे ले जाएंगे फूड पेंट्री में और जरूरतमंदों को सारा राशन बांट देंगे। हम अभी हैं मेरी फूड पेंट्री में 8 टेम्पो के साथ। असल में एक एक्स्ट्रा था जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था, गले तक भरा हुआ है राशन से। देखो ये कितना एपिक दिख रहा है। और यहाँ मेरे पार्टनर हैं डेरन। तो जब हमने एनिमल शेल्टर के सारे डॉग्स अडॉप्ट किए थे, ये वहाँ काम करते थे और मुझे पसंद आए। मैंने इनसे पूछा कि आप मदद करने चलेंगे फूड पेंट्री, और इन्होंने कहा मिस्टर बीस्ट को मना नहीं कर सकते। सच में इन्होंने यही कहा था। तो हाँ, ये हमारे साथ जुड़ गए और चलाते हैं ये फूड पेंट्री। और गाइस, मैंने अभी तक आपको मेरी फूड पेंट्री के बारे में नहीं बताया है, लेकिन हमने अब तक $30,000 का खाना बांटा है और जो राशन हमने अभी खरीदा है वो शायद इसके आंकड़े बढ़ा दे। ये मेरा नया चैनल बीस्ट फिलैंथ्रोपी, जहां मैं व्लॉग्स बनाऊंगा हमारी फूड पेंट्री पर और जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगा। मैं सच में जिंदगियां बदलना चाहता हूं और इस फूड पेंट्री से लाखों का पेट भरना चाहता हूं। जरूर करेंगे। तो आज इस वीडियो पर मैंने पक्का 6-7 लाख खर्चे हैं। अभी तक अगर आप नहीं गए हैं तो जाइए शॉप मिस्टर बीस्ट पर और प्लीज मर्चेंडाइज खरीदें। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।